अब तो मैं नहीं कह सकता कि उपचुनाव में कई स्थानीय विषय भी होगी और वहाँ के लोगों में कौन सी घृणा है। अब मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री गए थे वाराणसी और वहाँ चप्पल फेंके गए थे। ये तो अभूतपूर्व है, जिस जगह से 2 बार जीते हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके साथ ऐसा हो। और किसने किया ये भी नहीं किसी ने बता सके, परंतु पर चप्पल फेंके गए ये सब मानते हैं। तो क्या हमारी पुलिस भी नहीं ढूंढ सकी कि किसने किसने चप्पल फेंका? वो जानबूझो कांग्रेस के थे, और कोई थे, पब्लिक थी, कौन थी? तो ये इस परिस्थिति में मेरी राय में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तब होगा जब हमारी प्रधानमंत्री कोई नया चुना जाएगा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहेगा यदि वो ऐसा किसी को चुनकर बनाएंगे। 2 बार मोदी रह चुके हैं, अब उनको मार्गदर्शन मंडल भी बहुत निकट में है। टाइगर तो राहुल गांधी व संजय राउत दोनों मिलकर कह रहे हैं कि अगर मौका मिला तो सरकार गिरा देंगे, और 5 साल किसने सरकार चल पाएंगे? अब गिरा सकते हैं तो गिरा दो। मोदी ने मुझसे तो कुछ कहा नहीं, मेरी मदद चाहिए तो मोदी को मुझसे बात करनी होगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। से बात किया जाए तो नहीं मिल पाया है, वो जान मैं तो पहले से कह रहा हूँ, और मैंने भी मेरा जो भविष्यवाणी सही निकली कि 230 तक मिलेगा, और उस समय सब लोग कह रहे थे मैं जानबूझकर नीचे दिखाने जाता हूँ, परंतु वही निकला लगभग 240। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना चाहिए था, और कांग्रेस की सरकार फिर मेरी ख्याल में 3 महीने से ज़्यादा नहीं, यानी जिसको इंडिया इंडिया कुछ कहते हैं, उसका 3 महीने नहीं रह सकती, उसको फिर नई चुनाव हो। मैं जानता हूँ कोई साधारण बात है, पहले से मैं कह रहा हूँ कि राम मंदिर राजनीतिक नहीं है, और मैं समझता हूँ पब्लिक की क्रोध इस बात पर होगी कि मोदी ने सब जैसे उन्होंने ही किया, उन्होंने कुछ ही नहीं किया, उल्टा उन्होंने गुरु मूर्ति एक कोई है मद्रास के, उनकी से पिटीशन लिखवा कर पेश की कि ये सारे जो जमीन नरसिम्हा राव ने राष्ट्रीयकरण करके बड़ा किया उस सबको वापस कर देना चाहिए गरीबों को। अब फिर क्या रहता, एक छोटा सा जगह में हम राम मंदिर होते। तो ये व्यक्ति आज अपने को राम मंदिर बनाने की जब कहे तो लोगों में निराशा तो हुई थी, और अयोध्या में सबने अपने वोट डालकर समझा दी सबको।